जीवन में कोई भी काम करे अगर हिम्मत खत्म हो गई, देखिए कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, अब हिम्मत नहीं बचा है भाई, अब हिम्मत हार गए हैं, बहुत कोशिश किए लेकिन अब हिम्मत जवाब दे दिया, ऐसा सुना है कि नहीं? यस सर। और जब किसी का हिम्मत जवाब दे देता है तो आगे वो कुछ कर पाता है क्या? यस सर। अगर कुछ करना है तो हिम्मत को जिंदा रखना पड़ेगा। यस। और बोलना पड़ेगा भाई अभी सोना मत, हिम्मत को बोलना पड़ेगा भाई सोना मत, तो जागते रहो, नॉलेज वे नॉलेज वे नॉलेज वे बोलना पड़ेगा। आपके हिम्मत को जगाने कोई दूसरा नहीं आएगा, आपकी हिम्मत को खुद आपको जगाना पड़ेगा। एक माँ का बच्चा जब बीमार पड़ता है तो सबसे ज्यादा कौन परेशान होता है? उसकी माँ। कौन देता है उसको ये ट्रेनिंग? किसने दी है ट्रेनिंग? किस बेवकूफ ने सिखाया उस माँ को कि बच्चा बीमार हो तो परेशान हो जाना, बच्चा अच्छा करे स्कूल में टॉप करे तो खुश हो जाना? किसी ने नहीं बताया? नो सर। ऐसा होता है कि कोई ऐसी लेडीज है जो पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा छाप है, तो उनके बच्चे बीमार होते होंगे तो वो परेशान नहीं होती होगी क्योंकि तो पढ़ी लिखी नहीं है। होते हैं सर। वो भी परेशान होती है। यस सर। अच्छा पढ़े लिखे लोग भी परेशान होते हैं और अनपढ़ लोग भी परेशान हो जाते हैं, राइट? दोस्त जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है और डिग्री से कोई मतलब नहीं है। डिग्री अलग चीज है और सफलता अलग चीज है। हमेशा चर्चा होता होगा एक नाम के बारे में जो आज हम सभी लोगों को प्रेरणा देते हैं, दशरथ मांझी। यस सर। पढ़े लिखे थे क्या? नो सर। मतलब अनूठा था। झरिया में, कल मैं धनबाद में था तो वो धनबाद में कोलफील्ड में माथा पर कोयला ढोते थे, लेकिन कुछ तो रहा होगा उस आदमी के अंदर। आखिर क्या था? हम लोग केस स्टडी करते हैं, वी आर स्टूडेंट, हम सभी लोग विद्यार्थी है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और पढ़ने लिखने वाले लोग क्या करते हैं? केस स्टडी करते हैं, है कि नहीं? हर घटना का विश्लेषण करते हैं। तो इसका विश्लेषण करते हैं कि दशरथ मांझी अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूर आदमी थे, माथा पर कोयला ढोते थे, मनरेगा जितना मजदूरी था उनका, एक दिन का 500-700 बस। और आखिर क्या था उस आदमी में कि आज दुनिया के हर कोने में, हर स्कूल कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई होती है? अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए या इंडिया के किसी बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाए, आज उनका चैप्टर, उनकी एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि नहीं? यस सर। आज कितने ऐसे मंच है जहां पर उनके नाम की चर्चा बार बार की जाती है, जबकि वो अंगूठा छाप थे, जबकि पढ़े लिखे इंसान वो थे नहीं, मजदूर आदमी थे। तो मैं क्या बोलता हूं कि डिग्री अलग चीज है और जीवन में उपलब्धि हासिल करना अलग चीज है। आपके पास 1000 डिग्री हो और उपलब्धि एक भी नहीं हो, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके पास 1 डिग्री नहीं हो, 1 एजुकेशन नहीं हो, लेकिन आप दुनिया में कुछ अलग करके एक नाम कर जाए, हर कोई आपकी वाहवाही करने के लिए तैयार रहेगा। यस सर नो? यस सर। तो जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? हमारा अल्टीमेट गोल है वी वांट सक्सेस। यस सर नो? यस सर। अंतिम लक्ष्य यह है कि जीवन में हम सफल कैसे हो, हम जीवन में अच्छा कैसे करें, हम जीवन में बड़ा कैसे बने। पर आज सारे स्टूडेंट से गलतफहमी पाल लेते हैं कि मुझे नौकरी करनी है। और हम सभी लोगों को मालूम है 1,00,000 लोग फॉर्म भरते हैं जिसमें से सिर्फ 10 लोगों को नौकरी मिलती है, 99,900 लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, राइट? यस सर। ये डेटा कॉमन है, ये डेटा हम सभी लोगों को मालूम है। मतलब हम किस दौड़ में लगे हुए हैं,
छोड़ दो, क्षमा चाहूंगा, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप एक इंसान है तो अपनी जिंदगी का केस स्टडी तो कर सकते हैं ना। यस सर। हमने दशरथ मांझी का केस स्टडी किया और क्या पाया कि वो आदमी पढ़े लिखे नहीं थे, वो आदमी साधारण आदमी थे, मजदूर आदमी थे, लेकिन वो पूरी दुनिया में नाम कर गए। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा ही कर दिया जो साधारण आदमी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो साधारण आदमी के बस की बात नहीं थी। तो ये कारनामा उन्होंने किया कैसे? उन्होंने ये कारनामा किया कैसे? फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कहते हैं ना कि जब आपके अंदर तड़प पैदा हो, जब आपके अंदर भूख पैदा हो किसी भी चीज को प्राप्त करने की, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हासिल करते हैं, पर जो पहला चैप्टर है सक्सेस का, हम वही भूल जाते हैं पढ़ना, हम वही नहीं पढ़ पाते हैं। पहला चैप्टर क्या है सक्सेस का? गांधी जी राष्ट्रपिता क्यों बने? दशरथ मांझी माउंटेन मैन क्यों बना? न्यूटन ने गति के नियम की खोज क्यों की? पृथ्वी एक चुंबक है, ये किसने खोजा? न्यूटन ने। न्यूटन ने ही क्यों खोजा? न्यूटन के पड़ोसी ने क्यों नहीं खोजा? इंडिया का कोई आदमी क्यों नहीं खोजा? ये जो बल्ब है इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने ही क्यों किया? किसी और ने क्यों किया? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने ही क्यों किया? हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने ही क्यों किया हवाई जहाज का आविष्कार? कलम का आविष्कार फाउंटेन मैन ही क्यों किया? सवाल है कि नहीं है? यस सर। आपने क्यों नहीं किया? मैंने क्यों नहीं किया? फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सक्सेस। दुनिया में हर चीज का जैसे फॉर्मूला होता है ना, उसी तरह से सफलता का अपना एक फॉर्मूला होता है। जीवन में आप वही प्राप्त करेंगे जो प्राप्त करना चाहेंगे, जीवन में आप वही प्राप्त करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहेंगे। और सिर्फ सोच लेने से, मैं सोच लूं काश मैं प्रधानमंत्री होता, हो गया? काश नरेंद्र मोदी वाला गद्दी मुझे मिल जाए, मजा आ जाए। मिल जाएगा? नो सर। तो आप जो सोचते हैं उसमें कितनी शिद्दत है, कितनी गहराई है, आप कितने गंभीर होकर सोचते हैं? आर यू सीरियस फॉर योर लाइफ और नॉट? क्या आप अपने जीवन के प्रति सीरियस हैं या नहीं है? या माँ बाप ने भेज दिया पढ़ने के लिए और कई तरह की चीजें होती है। पहले तो हम लोग खाली सिनेमा देखने ही जाते थे, लोग कहते थे कि तुम लोग बाबूजी पैसा देते हैं खाली जाके सिनेमा खाली देखते रहता है तुम लोग, साथ में पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। लेकिन आजकल उसका एडवांस वर्जन आ गया, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि आप कभी 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 गहराई से अपने माँ बाप की आंखों में देखिए, झांकिए उनकी आंखों को। मैं यहां न्यूज ऑन का प्रचार करने नहीं आया हूं, प्लीज रिमेंबर, आई एम नॉट हियर फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज ऑन। मैं न्यूज ऑन का एड करने नहीं आया हूं, बट मेरा मकसद यह है कि अगर हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो धरती पर आने का हमारा और आपका सिर्फ एक मकसद है, वी वॉन्ट विक्ट्री, हमें सक्सेसफुल बनना है, उससे नीचे मुझे कुछ मंजूर नहीं है। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप लड़का है लड़की है तो हमारे जीवन का एकमात्र मकसद है हमें सक्सेसफुल बनना है। यस यस सर। माध्यम कुछ भी हो सकता है, रास्ता कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, पर इसके ऊपर मैं पहला चैप्टर की बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात कर रहा था। मैंने गांधी जी की बात की, मैंने दशरथ मांझी की बात की, मैंने थॉमस अल्वा एडिसन की बात करी, मैंने न्यूटन साहब की बात करी कि ये अपने काम में कामयाब क्यों हुए। हम और आप
सेब के पेड़ के नीचे सोए हुए रहते ना, और कोई सेब गिरता ना तो बढ़िया से दो धा के खा जाते। कहते भाई बड़ी मीठा है वो, निकाल दो और गिराओ ना भगवान, निकल जाते। ज्यादा से ज्यादा घर में जाते मम्मी पापा को या सहेली सखी को क्या बोलते, अरे मजा आ गया, बड़ा बढ़िया है, सेब मिला है। ये सब लोग आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं, इसी पर आपका भविष्य टिका हुआ है। खाली मुठ का दिग्दर्शन पढ़ने से कोई आईएएस नहीं बन जाता है। आईएएस बनने के लिए कितना जुनून और कितनी पागलपंथी आपके अंदर है उस पर आपका भविष्य टिका हुआ रहता है, उस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। माय डियर फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट निकल करके ये आता है कि हम इस धरती पे हैं तो हमारा लक्ष्य है जीवन बदलना, सफलता अर्जित करना, अपने जीवन को सफल बनाना, माँ बाप के अरमानों को पूरा करना, इस समाज के लिए योगदान देना, और जाने से पहले इस दुनिया में विदा होने से पहले कुछ ऐसा करना कि रहने के बाद और ना रहने के बाद भी दुनिया वाले हमें और आपको याद कर सके, होना चाहिए कि नहीं? यस सर। डियर फ्रेंड्स, तो मैं पहले जिस पॉइंट्स की बात कर रहा था कि न्यूटन साहब ने न्यूटन के गति का ही नियम क्यों प्रतिपादित किया, क्योंकि जब सेब उनके ऊपर गिरा तो वो सोचने लगे यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बाएं दाएं क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। उन्होंने गुरुजी टीचर से पूछा, संतुष्ट जवाब नहीं मिला। माँ बाप से पूछा, संतुष्ट जवाब नहीं मिला। समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों से पूछा, संतुष्ट जवाब नहीं मिला। इवन किसी ने कहा कि अरे तुमको सेब खाने से मतलब है, सेब क्यों गिरा, इससे क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वो शांत बैठे क्या, क्यों नहीं बैठे, क्यों नहीं बैठे। अब इतना बड़ा बुजुर्ग माय बाप है, बेवकूफ टाइप का, बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो समझना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. लेकिन समझा क्या, नहीं समझाना है। सब लोग समझाया लेकिन फिर भी नहीं समझा, और वो दिमाग में चलता रहा यार ये सेब नीचे क्यों गिरा, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी चीज के प्रति, अगर जिंदगी के प्रति आपके अंदर एक गंभीर चिंतन है, आपके अंदर एक गंभीर तड़प है। न्यूटन साहब के अंदर एक तड़प था, बेचैनी था यह जानने का कि सेब नीचे क्यों गिरा, ये सुनो। और जब तक यह जवाब उनको नहीं मिला तब तक वो शांत नहीं बैठे। जिस दिन आपको जीवन में आगे बढ़ने की तड़प आ जाएगी ना, उस दिन शायद आप शांत नहीं बैठेंगे, बहुत तेजी से आगे निकलेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जीवन में सफलता अर्जित कर नहीं लेते। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर वो तड़प पैदा नहीं हो। कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, एक आदमी महात्मा जी के पास गया और बोला बाबा सफलता का रहस्य बताइए। महात्मा जी बोले चल बेटा नहा के आते हैं। नदी में गए दोनों नहाने, कमर भर पानी में पहुंचे और बाबा जो थे साधु बाबा, वो आदमी का पाल पकड़ के उनको पानी में डुबा दिए। कहानी सुने है ना? Yes, sir. छटपटाने लगा आदमी, लेकिन महात्मा जी उसको छोड़े नहीं। आधा मिनट के बाद छोड़े, बाहर निकला, लंबा लंबा सांस लेने लगा, अब गुस्सा आ गया, बोला महाराज आप आदमी है कि पैजामा है, आज लइए लेते हैं हमको एकदम, कोई दुश्मनी की है क्या, हम तो आपसे सफलता का रहस्य पूछे थे, आप तो मेरा पुराने ले लेते, नहीं चाहिए हमको सफलता का रहस्य, हम चले अपना घर। बोले रे बाबू सुन ना, हो गया कम्मा, एक मिनट का ही हो गया, जो करना था हो गया, हम नहीं कुछ करेंगे। बोले बोलिए बाबा। बोले सुनो, जब पानी के अंदर थे तो कैसा लग रहा था? बोले कैसा लग रहा था, लग रहा था कि आप गए हो, सांस उखड़ रहा था, ऑक्सीजन का दरकार था, लग रहा था कब सांस ले, बहुत बेचैनी था, बहुत तड़प था। तो बाबा कह रहे बेटा सुनो, जितना तड़प तुम ऑक्सीजन के लिए रहे थे ना पानी के नीचे, जितनी बेचैनी थी, जिस दिन तुम्हारे अंदर जीवन बदलने के लिए उसी तरह की तड़प आ गई ना, तुम्हारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता और तुम हर हाल में सफल हो। अब अपने अपने अंदर झांको, अपने अपने अंदर झांको और चेक करो क्या ये है आपके अंदर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिंदगी आप
आपकी है, फैसला भी आपका होना चाहिए। आप अगर जीवन में तरक्की करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका भविष्य बदलेगा, आपका नाम बदलेगा, आपके मां बाप के सपने पूरे होंगे। ये सर दो मैं कुछ करूंगा या मैंने कुछ किया है उससे मेरी परिवार की स्थिति बदलेगी, आप कुछ करेंगे तो उससे आपकी और आपके परिवार की स्थिति बदलेगी। ये सर दो तो ये केस स्टडी का मुद्दा है कि क्या ये आपके अंदर है, है कोई ऐसा थाउट, है कोई ऐसा बेचैनी, है कोई ऐसी सोच जो आपको बेचैन कर दे रहा हो, जो आपको तड़पा रहा हो, जो आपके अंदर तड़प पैदा कर रहा हो, जो दिन की चैन छीन ले, जो रातों की नींद उड़ा दे, है कुछ ऐसा? यस सर। तुझे देखा तो ये जाना सनम। हाँ सर, है ना सर, बहुत प्यार करते हैं सर। सर रात में नींद नहीं आता है सर, सर दिन में चैन भी नहीं आता है सर। अरे गुड़बक कहां ले जाना चाह रहे थे, कहां चल गया? गड़बड़ा देगा सब, गड़बड़ा सब गोबर कर दे। आएगा वक्त उन सब दिनों का, ये वक्त जीवन बनाने का है, ये वक्त करियर बनाने का है, ये वक्त भविष्य बनाने का है। और आई थिंक मुझे क्या लगता है, अभी अगर वही जहां पे फोकस करना है वहीं पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। 20 साल पहले का सिनेमा देखते थे, उसमें किसी हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया तो बहुत लंबा टिकता था। आजकल सिनेमा में देखिएगा कि आज प्यार हुआ, 3 दिन के बाद मोहब्बत टूट गया, सब कसमें वादे हुआ। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं जान ले लूंगा और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तुम्हारे बिना चैन नहीं आता। ऐसा लगा कितने दिन में गायब हो जाता है। कहां गया नींद, कहां गया चैन? तो इन सब चीजों से बच के रहे। देखिए भगवान बड़ी चालू आदमी है, भगवान जो है बहुत चालू है, सक्सेस भी बनाया और ऊपर से रास्ता भटकाने वाला काम भी बना दिया है। देखते हैं बेटा कितना कंट्रोल है तुम्हारे अंदर, चेक करने वाला लगा दिया ना पॉइंटर। यस सर। तुम्हारे अंदर कितना कंट्रोल है। फ्रांस के सेनापति थे नेपोलियन, नाम सुना होगा हिस्ट्री का। यस सर। तो नेपोलियन जब एक अदना सा सिपाही था, छोटा मोटा सिपाही फ्रांस का, तो उसी फौज में कोई लड़की थी जो सेना में थी, तो लाइन मार रही थी, लाइन मारना समझते हैं, लाइन मार रही थी, तो बड़ी तेज आदमी था, अब समझ में आता है नेपोलियन बहुत तेज था। उस सब चक्कर में नहीं पड़ा और फोकस था, फोकस फोकस, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। फिर वेलकम देखे ना, वेलकम, कंट्रोल 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 किया और वो सब चक्कर में नहीं पड़ा। और अंत में वही नेपोलियन पूरे फ्रांस का राजा बन गया, शासक बन गया, सेनापति बन गया, हेड बन गया पूरे कंट्री का। और जब हेड बना तो वो उस महिला को बुलवाया और उसको बताया कि सुनो बहन, अगर उस समय मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया होता तो आज भी मैं सिपाही ही होता, लेकिन तुम्हारे चक्कर में नहीं है, आज मैं देखो देश का राजा बन गया। लेकिन ऐसा है, कहानी सुन के कई को कंट्रोल करेगा, कहानी का प्रभाव कितने दिन तक रहेगा। लेकिन मेरा क्या मानना है, मैं सीधी सी बात करूं, चिंटू सर एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि बाबू लड़का के पीछे भागोगे, ठीक है ना, तो लड़का तुमसे दूर भागेगा। लड़कियों के लिए कह रहा हूं, लड़की ज्यादा है इसलिए थोड़ा उल्टा कर दिया फॉर्मूला। लड़का के पीछे भागोगे तो लड़का दूर भागेगा, काहे भाव खाएगा, अरे भाव खाएगा। लड़का के पीछे भागोगे तो लड़का दूर भागेगा, और पैसा के पीछे भागोगे तो लड़का तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। लड़कों के लिए सीधी सी बात है, लड़कियों के पीछे भागोगे तो भी भाव, किसी के पीछे भागो वो भाव खाएगी, वो दूर भागेगी। पैसा के पीछे भागोगे लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। और लड़के लड़कियों को मैं दोनों कहता हूं, दोनों को मैं कहता हूं,
कि दोस्त पहले लाइफ बनाओ। क्यों? लड़के हो या लड़कियां, जब हम सोते हैं सपने में देखते हैं तो कोई भिखारी हमारे सपने में नजर आता है क्या? फटल चिटल कपड़ा में कोई लड़की है क्या? ऐसा नजर आता है क्या? राजकुमारी टाइप का नजर आती है, एकदम बढ़िया सूट में, बढ़िया ड्रेस में, यस सर नो? यस सर। और लड़कों की बात करूं, जब आप लड़कियां कोई सपने में कोई लड़के आते राजकुमार एकदम युवराज सिंह की तरह, वो कौन कौन सा हेलीकॉप्टर कार क्या क्या फलाना ढिकाना ऐसी चीजें होती है ना? तो यही जिंदगी की हकीकत है और यही सच्चाई है। तो मजाक मजाक में कुछ अच्छी बातें हो जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उस पर समर्पित कीजिए अपने आप को कि हमें यह किसी भी कीमत पर हासिल करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताऊं, दिस इज रणविजय। और रणविजय मुझे पता नहीं है मेरे पिताजी ने क्यों नाम रख दिया रणविजय, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला। यस सर नो? यस सर। मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था और बेसिकली मैं बिहार से हूं, एक जिला है जमुई। जमुई जिला से लगभग डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर दूर, मतलब एक पूरा एकदम इंटीरियर इलाका है, जंगली क्षेत्र है और गांव वाला इलाका है, ग्रामीण परिवेश है। वहां मेरा जन्म हुआ। जीवन की जो बेसिक चीजें होती है ना, वहां कुछ नहीं मिलेगा। पक्की सड़क आज भी नहीं है, आज भी मोबाइल का टावर नहीं मिलेगा वहां, क्योंकि वो डूबा क्षेत्र में चला गया है, डैम बन गया वहां पे, डूबा क्षेत्र में चला गया है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल टीचर कुछ नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा। मैं जिस गांव में पैदा हुआ था, तो वहां से निकला और सिंपल सा, माता पिता बचपन में कहते थे कि बेटा हम गरीबों के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा सहारा है, पढ़ाई लिखाई करोगे तो जीवन बदल जाएगी, नहीं तो तुमको हमारी तरफ तुमको भी घिसना पड़ेगा। सुबह 6 बजे जगते थे और रात के 10 बजे तक दिन रात मेहनत करते रहते थे। खेती बाड़ी हम लोगों के किसान परिवार से थे और साथ में उसी गांव में छोटी सी किराना की दुकान थी, तो ये काम करते थे। छोटा सा गांव था, 30-40 लोगों का गांव था, नेचुरल सा है, कितना धंधा पानी, कितना बिजनेस होगा, रोजी रोटी किसी तरह से चल रहा था। पिताजी बार बार समझाते थे कि बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो यही करना पड़ेगा, लेकिन अगर पढ़ लिए तो जीवन में कुछ हो ना हो, 10-20 हजार की नौकरी मिल गई तो जीवन में बहुत अच्छा कर जाओ। मतलब मेरे पिताजी कहते थे 10-20 हजार की ही नौकरी मिल गई तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, पर पढ़ाई लिखाई बहुत किया लेकिन कंपटीशन आप सभी लोगों को मालूम है। मैं कहता हूं नौकरी की तैयारी करनी चाहिए लेकिन बूढ़ा होने तक नहीं करना चाहिए। मेरे एक दोस्त है निरंजन भैया, उनके सीनियर है 4-5 साल के, पढ़ते थे साथ में, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे और तब तक करते रहे जब तक उनका उम्र एक्सपायर नहीं कर गया। क्या ये सही है? नो सर। गलत है ना? जब तक 35 साल का उम्र नहीं हुआ तब तक वो तैयारी करते रहे, नहीं हुआ कुछ गांव वापस जाना पड़ा। अब गांव वापस गए, कोई अचीवमेंट नहीं है, अब स्थिति ऐसी हो गई कि लड़की वाले रिश्ते के लिए उनके घर नहीं पहुंच रहे। काहे? तो लड़का बूढ़ा हो। तो समाज में सोसाइटी में जो हम सीखते हैं उससे सीखना चाहिए कि नहीं? यस सर। हम नौकरी की तैयारी करें ये गलत नहीं है, पर नौकरी के भरोसे ही बैठे रहे क्या ये उचित है? नो सर। कोरोना ने हम लोगों को सिखाया है, कोरोना ने हम लोगों को सिखाया है कि बाबू खाली एक के काम के भरोसे रहोगे तो फिर ऐसा होगा कि घर में राशन पानी के बिल आने पड़ जाएंगे। कोविड में हुआ था ना? डियर फ्रेंड्स, आप नौकरी की तैयारी करें 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है। हो गया तो बल्ले बल्ले और नहीं हुआ तो चले, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ हो ना हो अगर आप ड्यू पर अपना जारी रखते हैं तो याद रखिए जो अचीवमेंट नौकरी से नहीं आ सकती उससे बड़ी अचीवमेंट ड्यू पर से आ सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट टाइम ओनली पार्ट टाइम पढ़ाई करो, पार्ट टाइम न्यूज़ ऑफ
नो सर। पंखा में रस्सी बांध के लटकने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोटा में? हो रहा है। लटक रहा है ना जी? यस सर। क्यों? अगर उनके पास नरेंद्र न्यूज ऑफ का ऑप्शन होता तो कभी वो पंखा में नहीं लटकते, चूंकि उन्होंने सपने बड़े देख लिए कि मैं IIT करूंगा, मैं मेडिकल करूंगा, और जब लगातार गलत तो हुआ नहीं, जिंदगी खत्म। मैं आपसे पूछता हूं, नौकरी नहीं मिली तो क्या जिंदगी खत्म? वायरस को देखे हैं? वायरस को, कौन सा वायरस? नहीं, कोरोना वाला, सिनेमा वाला, थ्री इडियट। यस सर। प्रोफेसर साहब। यस सर। थ्री इडियट में बोमन ईरानी नाम है उनका, वो होटल में वेटर का काम करते थे। वेटर में समझते हैं ना, खाना परोसता था। होटल में वेटर का काम करते थे और 58 साल की उम्र में कोई डायरेक्टर उनको देखा और उनको लेके चला गया फिल्म इंडस्ट्री और उनसे सिनेमा में काम करवाया। और वो आदमी 58 साल की उम्र में वेटर की नौकरी छोड़ करके एक्टिंग करना चालू किया और आज के डेट में हजारों करोड़ के मालिक। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? तो जरूरत है हिम्मत की और हौसले की। मैं बात क्या कर रहा था, आप पढ़ाई करें, नौकरी की तैयारी करें, पर पार्ट टाइम न्यूज ऑन को जरूर करें। ये आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि ये आपकी पढ़ाई को और बेहतर करेगा। उदाहरण मैं समझाता हूं, मैं भी एक न्यूज ऑफियर हूं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैंने न्यूज ऑन को ज्वाइन किया था। स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता था मैं और मैंने सीखा भी। 2001 में मैंने न्यूज ऑफ की शुरुआत की, 2008 में मेरी शादी हुई, वाइफ जब आई न्यूज ऑफ को, जब उन्होंने देखा तो पाया कि यहां पर अंग्रेजी सीखने का मौका है, वो भी अंग्रेजी सीखना चालू की और साल भर लगे वो भी अंग्रेजी सीख गई स्पोकन इंग्लिश। दो बच्चे हैं मेरे, बड़ा लड़का 9th क्लास में है, छोटा 7th क्लास में है। वेबसाइट के अंदर कंप्यूटर का A to Z कोर्स दिया गया है, प्रोग्रामिंग। जो चीजें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है वो सारा कोर्स यूसॉफ्ट की वेबसाइट पे है। C++, कंप्यूटर के कोई जानकार होंगे मेरी बातों को पकड़ेंगे। C++, C#, जावा, ASP, ब्लूटूथ, कोल्ड फ्यूजन, एप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब ऐसे ऐसे कोर्स जिससे आप ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और मैं बड़े लड़के की बात कर रहा हूं, मैं अपने बड़े लड़के की 9th क्लास में है, कंप्यूटर से इंटरेस्ट है और 9वीं कक्षा तक जाते जाते कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जितनी पढ़ाई कराई जाती है वो पढ़ाई, वो सारी की सारी पढ़ाई न्यू सॉफ्ट से कंप्लीट कर चुका है पिछले 4 सालों में। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, मेरी वाइफ अंग्रेजी पढ़ी, मेरा बड़ा लड़का कंप्यूटर का पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुका है, और छोटे बेटे की बात करूं तो उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है। GK GS क्विज होता है ना, क्विज, इसमें उसको बड़ा इंटरेस्ट है, उसके स्कूल में अक्सर क्विज होता है तो वो इसमें मजा आता है। एक न्यूसॉफ्ट में पोर्शन है जनरल कॉम्पिटिशन वालों के लिए महावरदान, 50,000 क्वेश्चन आंसर का ऑब्जेक्टिव सेट दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का 50,000 सवाल जवाब हर विषय का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, कंप्यूटर साइंस, स्पोर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट से पकड़ लो 50,000 सवाल जवाब, 20-20 क्वेश्चन का सेट होता है। और मेरा बेटा क्या करता है, हर दिन एक चैप्टर निकालेगा, 20 क्वेश्चन पढ़ेगा, याद करेगा, चैप्टर क्लोज बंद हो गया, 10 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर पढ़ा, क्लोज कर दिया। आज उसके पास GK GS का इतना भंडार है कि उसके स्कूल में कोई भी क्विज कंपटीशन हो तो मोटे तौर पर चांस बनता है कि गोल्ड मेडल वो लेके आएगा। और अब तक 3 से 4 बार
वो अपने स्कूल से क्विज कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आया है। एक दिन मैंने बड़े लड़के से पूछा, बड़ा बेटा मेरा अच्छत नाम है, तो मैंने अच्छत से पूछा कि बेटा ये बताओ जितनी पढ़ाई तुमने न्यू साउथ से की है, अगर न्यू साउथ से नहीं करते मार्केट से करते उसके खर्च क्या आते। बोला पापा कैलकुलेट कर रहा हूं। गूगल पे बैठा, हर एक कोर्स का नाम डाला, उसका फी निकाला, कोर्स का नाम डाला, फी निकाला, सारा जोड़ा और लास्ट में मुझे बताता है कि पापा टोटल कॉस्ट आया है 7,500 रुपया। अगर ये सारे कोर्सेज मार्केट में जाकर किसी इंस्टीट्यूट से करता तो 7,500,000 रुपए उसे पे करने पड़ते, पर ड्यू सॉफ्ट में कितना भुगतान करके वो ये सारा कोर्स किया है? 10,000। उसी 10,500 मैंने अंग्रेजी सीखी, मेरी वाइफ ने अंग्रेजी सीखी, मेरे बड़े बेटे ने 7,500,000 का सिर्फ कंप्यूटर का कोर्स किया, और मेरा छोटा बेटा कुछ कॉम्पिटिशन के लिए जीके जीएस का कोर्स कंप्लीट किया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ड्यू सॉफ्ट जो कि 10,500 का पैकेज है और इतनी सारी चीजें हैं, क्या हिंदुस्तान के हर घर में ये पैकेज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आज मोस्टली घरों में स्मार्टफोन है या नहीं है? यस सर। है? आज लोग जहां स्मार्टफोन का इस्तेमाल रील्स यस। एक बार रील्स में घुस जाओ, मतलब मन मार करके किसी तरह से 2-3 को देख लेते, पता चला कब घंटा निकल जाता है, पता चलता है क्या? तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल आप चाहे तो अपने आप को बिगाड़ने के लिए भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने आप को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। सिंपल सा चीज, जो 1 घंटा ऑन एवरेज लोग रील्स देख के वेस्ट करते हैं, वही 1 घंटा लोग अगर एजुकेशन के ऊपर दे दे तो अगले 3 साल में वो इंसान एक मास्टरमाइंड बन के निकलेगा। यस और नो? सो फ्रेंड्स, मैं सिंपल सा कहता हूं, हिंदुस्तान या दुनिया में कोई ऐसा स्कूल है कि एक बार 10,500 पे कर दो और 20 साल के बाद भी वो आपको पढ़ाता रहे? नो सर। पर ड्यू सॉफ्ट ऐसा कर रही है। मैंने दोबारा कोई 1 रुपया भुगतान नहीं किया है ड्यू सॉफ्ट को। 18 जून 2001 को जो पैसा मैंने ड्यू सॉफ्ट को दिया था फी के रूप में, उसके बाद दोबारा मुझे कभी भी फी देने की जरूरत नहीं पड़ी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन ऑफ ड्यू सॉफ्ट। ड्यू सॉफ्ट का ऐसा एजुकेशन है, ये हर स्टूडेंट्स की जरूरत है, ये हर घर की जरूरत है, ये हर इंसान की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, मैंने बिजनेस सोच करके ड्यू सॉफ्ट में आया ही नहीं था। मैं तो अंग्रेजी सीखने के लिए आया था, लेकिन जब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था तो मेरे लॉज में कुछ विद्यार्थी थे, तो बोले क्या पढ़ते रहता है तुम, क्या करते रहता है? तो मैंने उनको बताया कि देखो ना, अंग्रेजी का कोर्स है, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, वही मैं सीखता हूँ। उसको मैंने दिखाया, उसको भी अच्छा लगा, वो भी एडमिशन ले लिया। तो लोगों को अच्छा लगा, एडमिशन ले लिया, और मेरा पैसा आ गया, 2500 का पेमेंट बन गया मेरा पहला स्टेट का। तो पैसा किसी को खराब लगता है क्या? हम इंडिया में हैं, अगर आप विदेश में होते ना, अमेरिका या यूरोप में, और 12वीं कक्षा के बाद आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता, मालूम है कि नहीं? अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, उनकी बेटी रेस्टोरेंट में काम करती, राष्ट्रपति होकर उनकी बेटी रेस्टोरेंट में काम करती थी। और ये फॉर्मूला राष्ट्रपति की बेटी के लिए नहीं, बल्कि हर आम आदमी के लिए लागू होता है। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि वो वर्किंग एथिक्स सीखे, मेहनत करना वो सीखे, ताकि आगे आने वाले जीवन में उसको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दुख नहीं हो। भारत में हम लोग अपना बचपन को कैसे करते हैं ना बेटा, ना एकदम करते रहते हैं ना। तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया में अभी ना तो ऐसा कोई कानून है और ना ही कोई ऐसा कल्चर है, लेकिन अगर मैं ड्यू सॉफ्ट को ही कनेक्ट कर दूं अमेरिका और यूरोप के मुकाबले, कि आज हम लोग स्टूडेंट से विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहे हैं, और पार्ट टाइम के रूप में अगर 2 घंटे या 4 घंटे अगर ड्यू सॉफ्ट करना शुरू कर दिए, तो एक पैरेलल आपका करियर खड़ा हो जाएगा। आने वाले कल में आपकी नौकरी लगे ना लगे, ड्यू सॉफ्ट आपको गारंटेड पर मंथ इनकम देने जा रहा है। ये तो लो। यस सर। ये बेहतरीन सिस्टम है।
यही सोच करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और सोचिए ड्यूज ऑफ की सक्सेस, 20 साल पहले स्टार्ट हुआ और अभी 65 से 70 लाख लोग एसोसिएटेड है ड्यूज ऑफ के साथ, 65 से 70 लाख। और इतनी तेजी से लोग ड्यूज ऑफ के साथ क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि यहाँ ना तो हल्दी बेचना है, ना धनिया बेचना है, ना मिर्चा बेचना है, ना साबुन बेचना है, ना टूथपेस्ट बेचना है, ना सर्फ बेचना है। यहाँ पर सिर्फ आपको शिक्षा के बारे में डिस्कस करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी ऑफिसर के घर में चले गए और आप उनको ड्यूज ऑफ के बारे में बता रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, क्या उनको बुरा लगेगा? आप किसी किसान को बता रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होगी? आप किसी इंजीनियर डॉक्टर के यहां चले गए, एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, किसी को खराब लगेगा? और दूसरी चीज, जब आप कोई सामान लेकर निकलते हैं तो यू फील्स लाइक अ सेल्समैन और सेल्स वुमन, यस और नो? ये कंफर्ट फील नहीं देता है। मैं अपनी बात बताता हूं आपको, मैं छत्तीसगढ़ में था, 7-8 साल पहले की बात है, एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में जसपुर, और वहां के उस समय एसपी से मैं मुलाकात करने वाला था। कारण क्या था, मुझे एक एप्लीकेशन देना था उनको कि सर कोविड के बाद से तो ऑनलाइन पूरा डायरेक्ट सेलिंग का कानून बन गया, सब कुछ हो गया है ना? यस सर। लेकिन ये 8-10 साल पहले की बात है। तो मैं वहां काम करने गया तो मैं सोचा एक एप्लीकेशन देख करके एसपी ऑफिस में जमा करूं ताकि आने वाले कल में कोई दिक्कत ना हो। एसपी के पास गया, आधे घंटे वेट किया, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया क्या है आपका प्रोजेक्ट बताइए। मैंने बताया, ड्यूज ऑफ का प्लान दिखाया, किट का दिखाया, इंग्लिश की पुस्तक, कंप्यूटर की पुस्तक, सारी चीजें दिखाई। उन्होंने बोला तो कमाल का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, मेरे घर में कंप्यूटर भी है, मेरे घर में इंटरनेट भी है, मेरे घर में बच्चे भी हैं, तो इससे पहले कि और किसी लोग इसको खरीदे, ये तो मेरी जरूरत है, क्या मैं इस पैकेज को परचेज कर सकता हूँ? मैंने कहा सर कोई भी परचेज कर सकता है। और जसपुर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में पहली ज्वाइनिंग के रूप में एसपी साहब ने ज्वाइन किया। आठ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या? पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बेवकूफ नहीं है कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, सिंपल सा चीज है। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हम रॉकेट साइंस को भी समझ लेते हैं, ये दोनों यूसॉफ को समझना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान बात है। एक अंधे आदमी से किसी ने पूछा, आज तेरा किस्मत बड़ा खराब है, आपके पास आंख नहीं, आप दुनिया देख नहीं सकते, आपकी किस्मत बड़ी खराब है। अंधे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बोला जो बोला आपकी किस्मत खराब है, बोला भैया ऐसा नहीं है, हमसे भी ज्यादा किस्मत खराब वाला आदमी है इस धरती पे। बोला आपसे ज्यादा किसका किस्मत खराब है? बोले भैया समझिए कि मेरे पास आंख नहीं, हम दुनिया देख नहीं सकते, लेकिन इस धरती पर कितना ऐसा गुड़बक है ना जिनके पास आंख है फिर भी दुनिया देख नहीं सकते, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ है, हमसे ज्यादा बदकिस्मत है। समझे मतलब? समझे मतलब? इस दुनिया में मतलब आंखें होते हुए भी हम कुछ देखना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते हैं। मैं कह रहा हूं ये ड्यूज ऑफ कोई जादू नहीं है, ये ड्यूज ऑफ कोई मशीन नहीं है, ये एक सिस्टम है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक स्कूल है। दिस इज जस्ट लाइक ऑनलाइन स्कूल, बैजू का नाम सुना है? तो ये जस्ट लाइक बैजू है, जस्ट लाइक मेरिटेशन है, उस तरह का एक सिस्टम है। आप ऐसे समझिए, आज हमारे समाज में जिनके पास पैसा वाला आदमी होता है तो स्कूल खोलने के बारे में सोचता है कि नहीं? क्यों सोचता है? क्योंकि स्कूल अगर खोलते तो लाखों रुपए महीने आएंगे, राइट? तो लाखों रुपए कमाने के लिए उसको कम से कम करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं कि नहीं? जमीन खरीदेगा, उसके बाद बिल्डिंग बनाएगा, फिर बस खरीदेगा, फिर टीचर को हायर करेगा, सारा सिस्टम बिल्ड करेगा, तब जाकर स्कूल चालू होगा, राइट? यस सर। लेकिन अगर ड्यूज ऑफ की बात करूं तो ना तो आपको जमीन खरीदना है, ना तो आपको बिल्डिंग बनाना है, ना तो आपको टीचर हायर करना है, यह सब किया हुआ है। मैं चाहूंगा ऋषि सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्यों मैंने कहा
क्योंकि ऋषि सर ने हमारे लिए जमीन भी खरीदी, ऋषि सर ने हमारे लिए बिल्डिंग भी बना दिया, ऋषि सर ने हमारे लिए टीचर भी हायर कर दिया, ये सर लोग और वो हम लोगों को देती है फ्रेंचाइजी स्कूल का, भाई ये ना तेरा स्कूल है, तू चला स्कूल को। आज से 20 साल पहले मुझे ऋषि सर ने ये स्कूल का फ्रेंचाइजी दिया और बोले बाबू चला तू। अब आप स्कूल खोलेंगे तो क्या करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे मेरा स्कूल क्यों बेहतर है, आप अपने बच्चे को मेरे स्कूल में भेजें, ये सर लोग। पहले एक विद्यार्थी आएगा, दो आएगा, पांच आएगा, दस आएगा, बीस आएगा, फिर हजारों विद्यार्थी आएंगे कि नहीं आएंगे। शुरू में आप मेहनत करेंगे, एक बार जब स्कूल में आपके हजारों विद्यार्थी आ जाएंगे तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत है क्या? मैंने भी यही किया, न्यू शॉप का ज्वाइन किया 20 साल पहले। मैंने लोगों को समझाया कि यार बाकी स्कूल से बेहतर है न्यू शॉप स्कूल। क्यों बेहतर है? क्योंकि अंग्रेजी चीज सिखाती है, कंप्यूटर भी सिखाती है, लॉ भी पढ़ाती है और पैसे बहुत कम लेती है, मात्र 10,500। अच्छा लगा, ज्वाइन कर गए, दूसरे के घर पर उनको बताया और स्कूल से अच्छा है न्यू शॉप स्कूल, उनको भी समझाया, उनको भी अच्छा लगा, लोग आते गए, कारवा बनता गया, हजारों की टीम बन गई। और आज 20 साल के बाद में बात करूं तो 5 लाख लोगों की टीम बन गई है, 5 लाख लोगों की। अब आप समझिए, अब आप समझिए, इतने विद्यार्थी मेरे स्कूल में है, पूरी जिंदगी मेरे स्कूल कभी बंद हो सकता है क्या? ना सर। मेरे दुश्मन भी अगर पैदा हो जाए ना और वो बोले तुम्हारे स्कूल को आग लगा देंगे, संभव है क्या? ना सर। इसके लिए उसको 5 लाख लोगों को गोली मारना पड़ेगा, संभव है? ना सर। तो स्कूल ऐसा है भाई और बहन कि एक बार अगर स्कूल चालू हो गया ना तो स्कूल पूरी जिंदगी बंद नहीं हो सकती। और इस स्कूल से जितना पैसा आएगा ना, दुनिया का कोई स्कूल इतना पैसा नहीं दे सकता। यहाँ से आप हफ्ते का 2 लाख और महीने के 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। पिछले 20 सालों में अगर मैं अपनी बात करूं तो इसी स्कूल की फ्रेंचाइजी को लेकर मैंने क्या किया, लोगों को न्यू शॉप के बारे में बताया और कुछ नहीं किया, 10 करोड़ की कमाई लगभग पूरे कर चुका हूं। मैं ड्यू शॉप में कैसे टिका रह गया ये मैं जरूर बताऊं।
मैं ड्यूसॉफ में कैसे टिका रहेगा? क्योंकि जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो 10 चुनौतियां आती है आपके सामने, 10 चुनौतियां आती है, करूं छोड़ू। लेकिन मैं कैसे टिका रह गया? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं जिस घर में जन्म लिया था वो मेरा मिट्टी का घर था, खपड़ा वाला घर, उसको टाली बोलते हैं। चूंकि मैं गांव से था, मेरे पूरे गांव में कोई भी पक्का का मकान नहीं था, इवन मेरा भी नहीं था। और कॉमन सी घटना होती है खपड़ा वाला मकान में, बारिश के मौसम में पानी का चूना, ये सब कॉमन चीज है, ये सर नो, ये सारी चीजें होती थी, वो सब कुछ मैंने बचपन में देखा हुआ था। हमारे गांव में ना बिजली की सुविधा और ना ही टीवी जो होता है ना डिसेंटी ना, वो भी सुविधा, आज के टाइम में तो छतरी आ गया तो गांव गांव तक काम करता है ना, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड है। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ शहरों में आपके घर तक तार के माध्यम से वो कनेक्शन आता था, केबल टीवी वाला, याद है ना? आज के डेट में छतरी आ गया है तो ना तो टीवी